प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर शुरू है और इसमें कुछ टर्म की बात चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने कुछ संबंधित जो टर्म होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आपको एसी बता दिया, डीसी बता दिया, आवर्त काल के बारे में बात हो गई, कोणीय आवृत्ति के बारे में बात हो गई, आवृत्ति के बारे में बात हो गई। अब उससे आगे थोड़ा सा और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर हम डीसी की बात करें और डीसी को कंट्रोल करने की बात करें तो डीसी केवल रेजिस्टेंस से कंट्रोल होती है। कंट्रोल करने का मतलब है भाई आप उस विद्युत धारा को कम करना चाहते हो या ज्यादा करना चाहते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो उसको कहते हैं कंट्रोल करना। तो उसे केवल हम किससे कर सकते हैं, प्रतिरोध से। अगर आप प्रतिरोध को बढ़ा दोगे सर्किट में तो धारा कम हो जाएगी, और अगर प्रतिरोध को कम कर दोगे तो धारा बढ़ जाएगी। और इसके लिए वास्तव में हम यूज में लाते थे रियोस्टेट, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में धारा नियंत्रण। तो डीसी जो है वो केवल कंट्रोल होती है रेजिस्टेंस से, जबकि एसी जो होती है एसी को तीन चीजों से कंट्रोल किया जा सकता है, एक प्रतिरोध से भी, एक इंडक्टर से भी यानी प्रेरकत्व से भी, और एक संधारित्व से भी धारिता से भी यानी RLC या LC। इन तीनों की हेल्प से हम AC को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें जो खास बात है वो क्या है, अगर आप प्रतिरोध से कंट्रोल करोगे इसको तो वहां पर पावर लॉस हो जाएगा P=I²R के बराबर, और अगर L और C से ओनली रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इनसे अगर कंट्रोल करेंगे तो वहां पर पावर लॉस नहीं होता है। इसीलिए बेटर यही है कि एसी को कंट्रोल जब किया जाए तो एल या सी से कंट्रोल किया जाए, तो करंट भी कंट्रोल हो जाएगी और एनर्जी लॉस या पावर लॉस जो है वो भी हमारा नहीं होगा, शक्ति की जो हानि है वो नहीं होगी, ठीक है। इस चीज को आप आगे चल के मैथमेटिकली और भी अच्छी तरह से समझ जाओगे कि एल और सी से कंट्रोल करने में किस तरह से पावर लॉस जीरो हो जाता है। उसके लिए जब फॉर्मूला ड्राइव होकर के आएगा तो अपने आप उसको आप क्लियर कर लोगे मैथमेटिकली। फिलहाल माइंड में एक इमेज बना लीजिए कि डीसी कंट्रोल ओनली बाय रेजिस्टेंस और एसी कंट्रोल आर एल एंड सी, ये अपने माइंड में एक इमेज बना करके आप रखिए, ठीक है ना। दूसरी बात, हम फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कर रहे थे, वो आपका क्लियर हो गया। जब भी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात आ जाए, कोणीय आवृत्ति की बात आ जाए, तो आप नाम से मत पहचानना, आप उसको यूनिट से पहचानना, क्योंकि नाम कुछ दे देता है और वैल्यू वास्तव में किसी और की होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कभी कभी उस पर एक क्वेश्चन बन भी जाता है, जरूरी नहीं आ जाए लेकिन कभी कभी बना दिया गया है उस पर क्वेश्चन, और वो है एवरेज वैल्यू निकालना, औसत मान निकालना। किसका औसत मान, या तो आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा उसका औसत मान की बात करेगा, या फिर प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की बात करेगा। तो अब हम किसी भी फंक्शन का औसत मान निकालने की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f(t), ये कोई फलन है, और ये जो फलन है वो टाइम का फलन है, वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। टाइम बढ़ाते हो उसी के हिसाब से वो चेंज होता है, और इसका आप औसत मान निकालना चाहते हैं, एवरेज वैल्यू आप इसकी निकालना चाहते हो, औसत मान। देखिए वैसे आप जानते हो भाई एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, मीन वैल्यू आप लोगों ने 10th में स्टैटिस्टिक में पढ़ा है, सांख्यिकी में आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, समांतर माध्य के रूप में एक तरह से मीन निकालना आपने पढ़ा था। तो माध्य निकालना, जैसे हमें मान लो क्लास के अंदर सभी बच्चे हैं कि भाई बच्चों की औसत एज निकालिए, तो जितने भी बच्चे सबकी जो आयु है उसका प्लस करेंगे और बच्चों की जो संख्या है उसका उसमें भाग दे देंगे, तो औसत आयु निकल करके आ जाएगी। यही तो होता है माध्य निकालने का तरीका। जैसे कोई बच्चा है वो कि चाहता है कि भाई हम अपने जो नंबर है हमारे उनका औसत निकालें, तो जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी नंबरों को प्लस कर दो और सब्जेक्टों की जो संख्या है उसका भाग दे दो, तो एवरेज निकल करके, ठीक है ना। तो ये एवरेज निकालने का तरीका होता है, लेकिन जब संख्याएं कम है तो एवरेज इस तरीके से आप निकाल लेते हो, लेकिन जब संख्याओं ज्यादा हो जाती है,
आपको ध्यान होगा तो समांतर माध्य की जब बात आई थी, समांतर माध्य में नहीं पढ़ा, समांतर माध्य नहीं सॉरी द्रव्यमान केंद्र, इलेवेंथ में द्रव्यमान केंद्र वाला जब टॉपिक आया था तो द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले थे, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, इस तरीके के। और बाद में ये जो सम कर रहे थे हम, उन चीजों को प्लस कर रहे थे, जब कणों की संख्या उसमें बढ़ गई थी तो हमने कह दिया था समेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रल जो होता है वास्तव में वो टोटल को निकालने का काम करता है, और खासकर ऐसी जगह पे जब वहां पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप उस काम को, जैसे हम कह रहे हैं सभी की एज का सम करो और फिर उनके नंबर का डिवाइड करो, तो उस काम को, सम करने वाले काम को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां जैसे कोई फलन है हमारे पास एफ टी और इसकी एवरेज वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो आप एफ टी पर तो लगा दोगे बार, बार का मतलब ही होता है कि ये इसका औसत मान है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एफ टी डी टी, यानी आपने इस एफ टी का इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रल करने का मतलब अब इस फलन की टोटल वैल्यू आ गई अपॉन इंटीग्रल डी टी, यानी अब उनकी संख्या कितनी है वो टोटल आ गई, इंटीग्रल डी टी का मतलब कहां तक उसको किया जा रहा है, ठीक है ना, और उसका भाग लग गया तो क्या निकल के आ गई, ये एवरेज वैल्यू निकल के आ गई। तो किसी भी फलन का एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो अब ये वाला फॉर्मूला आपको काम देगा, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखोगे अच्छी तरीके से। हाँ, इसमें एक चीज करना बाकी है, लिमिट लगाना। आपको जब पूछा जाएगा कि भैया आप एवरेज वैल्यू निकालिए यहां से यहां तक के लिए, तो वो लिमिट आपको लगानी पड़ेगी इसमें। जैसे मान लीजिए आप टाइम की लिमिट तो जीरो से टी, इसमें टाइम की लिमिट लगा रहे हो आप जीरो से टी, और मैं आप कुछ न्यूमेरिकल लेकर के चलता हूं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा की, कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालिए, ये क्वेश्चन है हमारा ये, प्रत्यावर्ती धारा, धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी फिर कई क्वेश्चन बन जाएंगे, ज्ञात कीजिए, ये है क्वेश्चन। हालांकि यहां प्रत्यावर्ती धारा की जगह पर मैं ये भी लिख सकता था प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान ज्ञात कीजिए, बात एक ही है, चाहे वोल्टता का निकाल लो चाहे धारा का निकाल लो, बस फॉर्मूला बदल जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आपको निकालना है, और उसके भी तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, पहला पूरे चक्र के लिए, दूसरा अपर हाफ साइकिल ऊपरी आधे चक्र के लिए, भाई उसमें ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो पूरा चक्र लोगे तो पूरा आएगा, और अपर हाफ साइकिल की बात करोगे तो इतने के लिए बात कर रहे हो, और लोअर की बात करोगे तो इसके लिए बात कर रहे हो, तो ऊपरी आधे चक्र के लिए, और तीसरा नीचे के आधे चक्र के लिए। तो तीन क्वेश्चन ये बन सकते हैं इसमें से, ये जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आपको ज्ञात करना है, इसमें तीन प्रश्न बन सकते हैं। मैं इसमें से एक कराऊंगा, बाकी दो आप अपने आप करोगे, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना सीख जाओगे, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या है बस उसको बताना चाह रहा हूं। देखिए, जब आप पूरे चक्र की बात करते हो, यानी यहां से आपका साइकिल शुरू हुआ और यहां तक आया, आपने पढ़ा कि यहां से यहां तक यानी एक चक्कर, और एक चक्कर में लगे समय को कहते हैं आवर्तकाल, यानी इस जगह से इस जगह तक जो समय लगा है उसको कहोगे कैपिटल टी। लेकिन अगर इस जगह तक देखोगे तो हुआ कैपिटल टी बाई टू। अब अगर तुम्हें पूरे चक्र के लिए औसत मान निकालना है तो तुम लिमिट लोगे जीरो से कैपिटल टी, ये उसकी लिमिट होनी चाहिए इंटीग्रल की। अगर आप ऊपरी आधे चक्र की बात कर रहे हो तो जीरो से टी बाई टू, लेकिन अगर आप नीचे के आधे चक्र की बात कर रहे हो तो टी बाई टू से टी। केवल ये चीज बदलेगी लिमिट, बाकी प्रोसीजर आपका सेम होगा, फॉर्मूला लगाओगे क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ठीक है।
तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, बाकी दो आप अपने घर पे बैठ कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं कि भाई प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए। अब प्रत्यावर्ती धारा का सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या चीज है भाई? प्रत्यावर्ती धारा है आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब आप इसका औसत मान निकालना चाहते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, वो भी पूरे चक्र के लिए। तो अब इसका मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा, तो मैं लिख दूंगा आई बार इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी आई डी टी अपॉन इंटीग्रल जीरो टू टी डी टी। देख लीजिए एक बार फॉर्मूला कैसे लगाया। जो हमारे पास फॉर्मूला था इंटीग्रल एफ टी डी टी, जो फंक्शन होता है जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर इंटीग्रल में रख लेते हैं, नीचे खाली इंटीग्रल डी टी होता है, और जिसके लिए निकाल रहे हो जहां तक के लिए निकाल रहे हो वो वाली लिमिट लगा दी जाती है उसको। ठीक है, तो आपने उसको लगा दिया, बाकी कोई काम नहीं है, इंटीग्रल सॉल्व करना है अब इसमें, यानी फिजिक्स नहीं है अब, एक तरह से मैथमेटिक्स है, और वो भी सिंपल सा, कोई बहुत टिपिकल इंटीग्रल नहीं आते इसमें। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू लगाते हैं पहले। तो जीरो से टी और आई की वैल्यू कितनी है? आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। तो ये तो आई सिंपल होता है टी, तो इंटीग्रल डी टी टी हो गया नीचे, और लिमिट लग गई आपकी जीरो से कैपिटल टी। अगर मैं इस ऊपर की बात करूं तो आई नॉट तो कॉन्स्टेंट के बाहर आ गया, इंटीग्रल जीरो से टी साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन में अपर लिमिट पहले लग जाती है, माइनस करके लोअर लिमिट लगती है, तो ये टी हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा नीचे वाला सॉल्यूशन जो है। तो ये आपका आ गया एक तरह से आई नॉट अपॉन कैपिटल टी। अब ये है इंटीग्रल साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल आप जानते हो माइनस के कॉस ओमेगा टी, लेकिन टी के साथ ओमेगा और आ रहा है तो उसका डिवाइड हो जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हो, कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब ये हो गया आपका माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट आपकी जीरो से कैपिटल टी। जो चीज कांस्टेंट होती है जैसे इंटीग्रल से बाहर आ जाती है वैसे लिमिट से भी बाहर निकाल सकते हो, तो ओमेगा को आप बाहर कर लीजिए, आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, माइनस भी चलो बाहर ले लो, माइनस भी बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी, तो कॉस एक बार ओमेगा आपकी जगह, एक बार टी की जगह पे अपर लिमिट, और माइनस के कॉस जीरो। भाई पहले अपर लिमिट लगाई जाती है माइनस करके लोअर लिमिट, लेकिन किसकी जगह पे? जो डी के साथ है, और डी के साथ टी है तो टी की जगह पे, तो वो आपका सॉल्यूशन आगे बढ़ते ही। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से थोड़ा सा मैं इधर ले रहा हूं इस जगह पे, ये आपका आ गया माइनस के आई नॉट अपॉन ओमेगा टी। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कल हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले आपको बताए थे, और ये बताया था ओमेगा इज इक्वल टू दो बंद में थे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या फिर 2 पाई अगर फ्रीक्वेंसी है तो एफ। अब हमें ओमेगा और टी को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो ओमेगा इनटू टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, सही है ना? इसका मतलब हमारा ये आ रहा है यहां पे कॉस के साथ भी ओमेगा टी आ रहा है, और इधर बाहर भी ओमेगा टी आ रहा है, तो जहां जहां ओमेगा टी है उसकी जगह पर मैं 2 पाई लगा दूंगा। तो ये आपका आ गया माइनस के आई नॉट अपॉन 2 पाई और ब्रैकेट में कॉस 2 पाई माइनस कॉस जीरो, हालांकि कॉस जीरो की वैल्यू आप लगा सकते हो। अब वैल्यू की बात आती है, आप अच्छी तरह से जानते हो, मैंने आपको कई बार बताया भी है, साइन एन पाई हमेशा जीरो, साइन में कितना भी एन पाई आ जाए, आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, साइन एन पाई इज इक्वल टू हमेशा जीरो, चाहे साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 1000 पाई हो, इवन हो और हो, हमेशा जीरो। फिर कॉस में आ जाओ, कॉस एन पाई इज इक्वल टू प्लस 1, लेकिन प्लस 1 तब होता है जब एन की वैल्यू 0, 2, 4, 6 यानी इवन नंबर आ जाए, और माइनस 1 जब ऑड नंबर आ जाए, एन की वैल्यू 1, 3, 5, 7 यानी cos पाई माइनस 1, cos 3 पाई माइनस 1 ऐसे करते, ठीक है? तो यहां cos 2 पाई है, तो cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं, प्लस 1, और cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है? प्लस 1, लेकिन बीच में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया माइनस के i नॉट अपॉन 2 पाई और 1 माइनस 1
जीरो हो गया। इसका मतलब एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या निकल के आ गया, जीरो। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप ही समझ रहे हो। एक बात बताइए, आप जब इस साइकिल को देख रहे थे तो ये साइकिल इस टाइम एक्सिस से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। और आप अच्छी तरह से जानते हो भाई, एक एक्सिस से ऊपर वाली चीज पॉजिटिव होती है और नीचे वाली चीज नेगेटिव होती है। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसलिए एवरेज वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आपने पूरे चक्कर के लिए जब इसको निकाला तो इसकी वैल्यू जीरो निकल करके आ गई। अब आप इसको क्या करेंगे, आधे चक्कर के लिए निकालेंगे, और आधे चक्कर के लिए जब निकालेंगे तो लिमिट लगेगी जीरो से टी वाई, और फिर नीचे वाले आधे चक्कर के लिए निकालेंगे। जब आप इसको ऊपर के आधे चक्कर के लिए निकालेंगे तो वो प्लस में आएगा आंसर, आंसर किस में आएगा, प्लस में। लेकिन अगर नीचे के आधे चक्कर के लिए निकालोगे तो आंसर उतना ही आएगा, लेकिन अब की बार वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और आप अच्छी तरह से बैठ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और केवल इसी के लिए नहीं, आप उसको वोल्टेज के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। अंतर क्या हो जाएगा, I की जगह पे आप लिखेंगे V equal to V not sin omega t। आप इसके लिए भी तीनों के लिए उसको सॉल्व करके ला सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का औसत मान निकाल सकते हो, उसकी एवरेज वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहां वास्तव में जरूरत पड़ जाती है हमें इसको समझने की, तो थोड़ा सा हम इसको आधे चक्कर के लिए और समझ लेते हैं, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। आधे चक्कर वाला जो फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए, इसलिए उसको ऊपर के आधे चक्कर के लिए और मैं उसको निकाल के दिखा देता हूं, बाकी नीचे के आधे चक्कर के लिए आप खुद निकाल लेना उसको। अब की बार हम लेके चल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए v का लेके चल रहे हैं, v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t। इसका औसत मान निकालना है, और वो भी केवल ऊपरी आधे चक्कर के लिए। ठीक है, उसका हमने पूरे चक्कर के लिए निकाल दिया, इसका ऊपर के आधे चक्कर के लिए निकाल दिया। तो आप क्या करेंगे, यह ऊपरी आधे चक्कर के लिए औसत मान ये निकालना है आपको। अब क्या करेंगे साहब, v बार इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से t by 2 v dt अपॉन इंटीग्रल जीरो से t by 2 dt। जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है उसको लिख दिया उसने। अब सॉल्व करेंगे v बार इज इक्वल टू, देखिए नीचे का तो अब डायरेक्ट आप हिसाब लगा सकते हो, इंटीग्रल dt का t हो जाता है, लिमिट लगा हुए t by 2 माइनस जीरो आएगा तो t by 2 आ जाएगा नीचे, और नीचे t by 2 आने का मतलब दो ऊपर चला जाएगा। तो ये तो नीचे वाली चीज तो खत्म हो गई, वो आ गई 2 अपॉन dt, और बाकी आपका बचा इंटीग्रल 0 से t by 2 और v की जगह पर v नॉट sin omega t और ये dt। v नॉट को भी बाहर ले लो तो 2 v नॉट अपॉन कैपिटल t इंटीग्रल sin omega t dt, और sin omega t का भी अभी किया है आपने, तो माइनस से cos omega t अपॉन omega और जीरो से t by 2, माइनस को बाहर ले लो, माइनस के 2 v नॉट अपॉन ओमेगा को भी बाहर ले लो, ओमेगा इनटू t, और ये आ गया cos ओमेगा। अब लिमिट लगाओगे तो cos ओमेगा कैपिटल t by 2 माइनस cos 0। अभी आपको बताया ओमेगा इनटू t की जगह पर 2 पाई लगा सकते हो, तो ओमेगा इनटू t की जगह पर 2 पाई, तो माइनस के 2 v नॉट अपॉन 2 पाई, और ये cos 2 pi upon 2 minus cos 0। अब आप वैल्यू लगाओगे माइनस के 2 v नॉट अपॉन 2 pi, हालांकि चाहो तो दो से दो को काट दो, इधर cos pi की वैल्यू माइनस 1 और माइनस अपनी जगह cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस पहले से लगा हुआ है प्लस, तो ये आ गया 2 v नॉट अपॉन pi, तो v बार ये आ गया ऊपर के आधे चक्र के लिए। अब बात समझ आई कि नहीं, इसका मतलब ऊपर के आधे चक्र के लिए जो वोल्टेज है प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसका औसत मान 2 v नॉट अपॉन पाई आ गया। अगर आप इसी को नीचे के आधे चक्र के लिए लिखना चाहोगे तो वो हो जाएगा v बार इक्वल टू माइनस का 2 v नॉट अपॉन पाई, ये नीचे के लिए हो जाएगा। आप करंट की बात करोगे
तो करंट के लिए 2 I naught upon 5 ऊपर के आगे के चक्कर के लिए और माइनस के 2 I naught upon 5 नीचे के आगे, और पूरा चक्कर अगर निकालना है तो वो तो जीरो आना ही है, चाहे वोल्टेज का निकाल लो या फिर विद्युत धारा का। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये एक तरीका था किसी भी फंक्शन का, ये तो सिंपल फंक्शन था प्रत्यावर्ती धारा का। आपको कोई न्यूमेरिकल एक आध बार ऐसा भी देखा है मैंने बोर्ड के एग्जाम में कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि I is equal to I naught sin omega t plus या I1 लिख लो, I is equal to I1 sin omega t plus I2 cos omega t, और अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालिए पूरे साइकिल के लिए। तो फिर से वही करना केवल आपको इसमें रख करके उसको फॉर्मूले में और सॉल्व कर देना है, ठीक है? तो कोई भी फंक्शन दे दिया जाए आप इजीली उसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते। अब देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा भी गया है उसको, और वो है आरएमएस वैल्यू, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का भी पूछ सकता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी पूछ सकता है, दोनों बातें हैं, ठीक है? और एक ही तरह से जैसे यहां एवरेज वैल्यू निकाली उसी तरह एक ही तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात करता तो उसको तो डिनोट करते हैं वी आर एम एस, और प्रत्यावर्ती धारा की बात करना है तो उसको कहते हैं आई आर एम एस। और इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक सिंपल तरीका, और सिंपल तरीका क्या होता है, मैथमेटिकल तरीका होता है, यानी एक मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स थोड़ा आसान हो जाता है। तो पहले मैं सिंपल तरीके को ले रहा हूं और फिर फिजिक्स क्या आएगी किस तरीके से और उसको समझते फिर उसकी बात करेंगे। तो देखिए अगर आप इसकी डेफिनेशन समझो बिल्कुल ये किस तरीके से, जैसे आपने 11th में पढ़ा था ना, 11th में वहां पे वेलोसिटी के लिए पढ़ते थे कहां पर, थर्मोडायनामिक्स में, तो वहां वीआरएमएस वेलोसिटी का वीआरएमएस वर्ग माध्य मूल चाल और यहां पे धारा का वर्ग माध्य मूल चाल। तो वास्तव में इसको यहां से शुरू करते हैं हम इस जगह से, यानी ये आर का मतलब रूट मीन स्क्वायर, इसको अंग्रेजी में समझ लेते हैं। वर्ग माध्य मूल का मान क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात कर रहे हो आप। तो उल्टा चलते हैं इसमें, जैसे आई आर एम एस है, आपको आई आर एम एस लिखना है आई आर एम एस, तो उल्टा कैसे चलते हैं, स्क्वायर करो यानी आई का स्क्वायर करो, उसका मीन निकाल दो, मीन का मतलब बार लगा दो और उसका रूट कर दो, रूट का मतलब रूट, ये है आई आर एम एस, सही है ना? तो उल्टा चलिए आर एम एस, एस का मतलब स्क्वायर के मीन का रूट, स्क्वायर के मीन का रूट। तो जिसका भी हो आई है तो आई और बी है तो बी, ऐसे ही आप बी आर एम एस की बात करोगे तो क्या करोगे, पहले बी का स्क्वायर करोगे फिर उसका मीन निकालोगे और फिर उसका रूट निकालोगे, तो इतना काम करना है आपको। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन गया है वही एवरेज वैल्यू निकालने वाला, क्योंकि आप निकालना चाहते हो आई आर एम एस और उसके लिए तुम्हें इसे निकालना पड़ेगा। अब आई रूट निकालने में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, केवल आई स्क्वायर का मीन निकाल दे पहले, आई स्क्वायर का बार, बार का मतलब मीन, और मीन निकालना किसी भी फंक्शन का आप जानते हो अभी अभी सिखाया। तो पहला काम होगा हमारा आई स्क्वायर का मीन निकालना, तो इसको तो मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, अलग से आई स्क्वायर का मीन निकाल करके तब उसे यहां ले आएंगे रूट के अंदर, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ना अब थोड़ा सा ध्यान दें, आई स्क्वायर का मीन निकालना है, तो मीन किसका, आई स्क्वायर का, तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल जीरो से टी, अब वो तो पूरे साइकिल के लिए चलेगी बात, तो जीरो से टी किसका मीन है, आई स्क्वायर का, तो आई स्क्वायर डी टी अपॉन जीरो से टी डी टी, सिंपल जो मीन निकालने का फॉर्मूला है उसी में आप उसको पुट कर देते हैं।
अब आप इसमें पुट करके पहले इस वैल्यू को निकालो। अब आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आई की वैल्यू होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए नीचे वाला तो आप जानते हो, नीचे वाले को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रल डीटी यानी टी हो गया, टी माइनस जीरो कैपिटल टी आ गया नीचे वाला, तो ये तो आ गया वन अपॉन कैपिटल टी। इधर आप इसको जीरो से टी आई की जगह पे लगाओगे ये, तो ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाहर आ गया आपका, अपॉन में कैपिटल टी है, इंटीग्रल जीरो से टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ये है। तो वास्तव में अब हमारा क्वेश्चन हो गया बहुत आसान, यानी केवल अब हमको एक छोटा सा इंटीग्रल सॉल्व करना है, वो भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। लेकिन ये इंटीग्रल थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है, यानी इसके लिए तुम्हें अलग से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो एक ही कॉन्सेप्ट है, चाहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हो चाहे कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा का हो चाहे कॉस स्क्वायर, वो डबल वाले एंगल में चेंज करके तब करना पड़ता है, कॉस टू थीटा वाले एंगल में चेंज करना पड़ेगा। देखिए कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब या फिर आप लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, या आप लिख सकते हो वन माइनस टू साइन स्क्वायर। तो हम इस स्क्वायर को डबल एंगल में चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे, यानी स्क्वायर हटाना हमें, सिंपल कॉस साइन लाना है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, अगर आप इससे लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, तो ये इधर चला जाएगा वन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का कभी भी तुम्हें इंटीग्रल सॉल्व करना हो तो यहां से सॉल्व होगा। ऐसे ही इसको और इसको लेकर के साइन की निकालेंगे, तो भाई साइन निकालना ये इधर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। तो साइन स्क्वायर का कभी भी इंटीग्रल आपको करना है वो यहां से सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बच्चे सीधे करने लग जाते हैं, वहां गलती का चांस है, लेकिन आप लोग मैथ के स्टूडेंट है कोई परेशानी नहीं, बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप क्या करेंगे इसमें आई नोट स्क्वायर अपॉन टी अपनी जगह, इंटीग्रल जीरो से टी इसकी जगह आ जाएगा वन माइनस कॉस कॉस अब ओमेगा टी है तो टू ओमेगा टी अपॉन टू और ये डी टी और इस पर ब्रैकेट लगा, दो को चाहो तो बाहर निकाल दो, ये आपका आ जाएगा आई नोट स्क्वायर अपॉन टू टी। अब देखिए ये बचेगा यहां वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, इसका इंटीग्रल करना है, तो वन दोनों का एक साथ कर देते हैं, अलग अलग क्या आ रहा है, वन का हो जाएगा टी, तो वन का हो गया आपका टी माइनस कॉस, कॉस का होता है साइन, तो इसका हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा टी के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाता है, जैसे डिफरेंशियल में इंटीग्रल में पहुंच जाता है कुछ चीज यहां पर डिवाइड में आ जाती है, तो साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा और अब आपकी लिमिट हो जाएगी जीरो से कैपिटल टी। अब लिमिट लगा करके सॉल्व करने का काम बचा, तो आई नोट स्क्वायर अपॉन टू टी, एक बार अपर लिमिट तो टी की जगह कैपिटल टी माइनस की साइन टू ओमेगा कैपिटल टी अपॉन टू ओमेगा, अब जीरो लगेगा तो माइनस टी की जगह जीरो, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन जीरो अपॉन टू ओमेगा, पूरी तरह से लगाएंगे तो सही है ना, लेकिन साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये जीरो हो गया। इधर आप जानते हो ओमेगा इंटू टी की जगह पर कितना आता है टू पाई, तो आप साइड में लिख सकते हो ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू टू पाई, आप इसे सॉल्व करेंगे आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी और टी माइनस साइन, यहां टू पाई और दो पहले से ही है तो फोर पाई अपॉन टू ओमेगा, बाकी सब जीरो हो गया, लेकिन यहां भी ध्यान दीजिए साइन फोर पाई, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, साइन में एन पाई जीरो, ज्यादा सोचना ही नहीं है, एक पाई दो पाई तीन पाई चार पाई सब जीरो, इसका मतलब ये वैल्यू भी जीरो, क्या बच्चा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी और ए टू टी, टी से टी कैंसिल, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी, ये आई स्क्वायर के मीन की वैल्यू आई है, लेकिन हमें चाहिए था आई आर एम एस, यानी इसको उठा के रूट के अंदर लगा दो आई आर एम एस बन गया। तो आप क्या करेंगे अब आई आर एम एस जब आप निकालोगे, चलिए यहां देखते हैं इस जगह पे, तो आई आर एम एस की बात करते हैं तो रूट के अंदर आई स्क्वायर बार और वो वैल्यू आई आपकी
आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू, यह आ जाएगा आई नॉट बाहर आ गया, रूट टू नीचे हो गया। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। यहां दो चीजें आ गई, आरएमएस वैल्यू और आई नॉट का मतलब पीक वैल्यू। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आ जाता है कि पीक वैल्यू ये है तो आरएमएस वैल्यू बताओ, और आरएमएस वैल्यू ये है तो पीक वैल्यू बताओ। सिंपल सा आप इसमें लगाओगे, सॉल्व कर दोगे, ठीक है। दूसरा इसी तरह से अगर वी को पूछता वीआरएमएस, तो वीआरएमएस निकालते तो वीआरएमएस का फॉर्मूला आपका हो जाता वीआरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू। तो वहां भी वही तरीका, आपसे वीआरएमएस दे देगा तो वी नॉट निकाल दोगे, और वी नॉट दे देगा तो वीआरएमएस निकाल दोगे, सही है ना। तो इस तरीके से कभी कभी बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन जिसे हर बच्चा कर सकता है, केवल ये छोटा सा फॉर्मूला याद हो कि पीक वैल्यू दी है तो आरएमएस वैल्यू निकाली जा सकती है, और आरएमएस वैल्यू दी है तो पीक वैल्यू निकाली जा सकती है।